Good morning, student. So I was discussing planning chapter. So now comes to the last topic of your planning chapter, that is your types of plan. Basically, there are two types of plan. First is single use plan and second is your standing plan. When we talk about your single use plan, it is basically a plan which is developed for one time. ठीक है, मतलब कि ये वो plan होता है जो सिर्फ एक time के लिए होता है. जैसे example आपका 95% score करना है, दैट इज़ वन प्लान. एक प्लान हो गया वो आपका कि आपके 95% आपको लेकर ही आने हैं, तो दैट इज़ योर सिंगल यूज प्लान. हर एक ऑर्गेनाइजेशन का एक प्लान होता है कि जैसे प्लान लाइक कि अपने सेल्स को 20% इंक्रीज करना है, अपने बिजनेस का अर्निंग प्रॉफिट बढ़ाना है, तो ये क्या है, सिंगल यूज प्लान है. ठीक है, और ये क्या होता है, हमारे नॉन रिकरिंग होते हैं. एक बार बन गए तो ऐसे नहीं कि बार बार होते रहते हैं. ठीक है, मतलब कि रिपीट नहीं होते हैं. द ड्यूरेशन ऑफ दिस प्लान, जो प्लान का ड्यूरेशन होता है वो डिपेंड करता है आपका प्रोजेक्ट में. वो शायद आपका 1 ईयर भी ले सकता है, मंथ भी ले सकता है, और मे बी कैन टेक 1 डे और 2 डे ऑल्सो. दिस प्लान इंक्लूड, जो प्लान होता है सिंगल प्लान जो आपके होते हैं वो इंक्लूड करते हैं, मतलब कि इसमें बजट आता है, प्रोग्राम्स आते हैं, प्रोजेक्ट्स आते हैं. ठीक है, ये सब आपके अभी डिस्कस करेंगे लेटर. दे कंसिस्ट ऑफ डिटेल इंक्लूडिंग द, ठीक है, इसमें क्या होता है, जो ये प्लान होता है, इस ऑर्गेनाइजेशन क्या कंसिस्ट करती है, इसमें डिटेल इंक्लूडिंग ऑफ नेम ऑफ एम्प्लॉय हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डूइंग वर्क. मतलब कि इस प्लान में हम क्या करते हैं, एम्प्लॉय, जो प्लान हमने सेट कर रखा है उसमें जो एम्प्लॉय हमने ले रखा है उस प्लान में, उसका नेम भी कंसिस्ट करेगा. ठीक है, एंड किस काम के लिए वो रिस्पॉन्सिबल है वो भी आपका इंक्लूड होता है. सेकेंड आता है आपका स्टैंडिंग प्लान. स्टैंडिंग प्लान्स, इट इज़ यूज फॉर एक्टिविटी दैट अकरिंग रेगुलरली ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. जैसे 95% लेकर आ गए, अब 95% को अचीव करने के लिए और प्लानिंग भी तो करनी पड़ेगी कि इतना टाइम मैं अपने एक सब्जेक्ट को दूंगा, इतने घंटे पढ़ूंगा, इस सब्जेक्ट को ज़्यादा ध्यान दूंगा. तो वी आर प्लानिंग, क्यों कर रहे हैं प्लानिंग, फॉर गेटिंग 95%. तो दैट इज़ जो हम बीच बीच में प्लान कर रहे हैं ना, दैट इज़ अवर स्टैंडिंग प्लान. जो हमें सिंगल प्लान को अचीव करने के लिए हम जो छोटे छोटे प्लान बना रहे हैं, मतलब कि फॉर अचीविंग दिस प्लान, सिंगल यूज प्लान, वी आर मेकिंग स्टैंडिंग प्लान्स. ठीक है, इट इज इट इज डिजाइन टू इंश्योर दैट इंटरनल ऑपरेशन ऑफ ऑर्गेनाइजेशन रन स्मूथली. जो स्टैंडिंग प्लान होते हैं वो क्यों बनाए जाते हैं, सो दैट कि इसीलिए बनाए जाते हैं ताकि जो इंटरनल ऑपरेशन है ऑर्गेनाइजेशन का वो क्या हो सके, अच्छे से चल सके, मतलब इफिशियंसी आ जाए ऑर्गेनाइजेशन के वर्क में. सच अ प्लान ग्रेटली इनहेंस इफिशियंसी इन रूटीन डिसीजन. जो ये प्लान होते हैं वो क्या करते हैं, आपके रूटीन डिसीजन में इफिशियंसी लेकर आते हैं. इट इज़ ये जो प्लान होते हैं ये बनते हैं, मतलब इट इज़ यूजली डेवलप्ड वंस, मतलब एक बार बनाए जाते हैं, बट क्या होते हैं, बार बार आपके चेंज भी होते रहते हैं. ठीक है, मॉडिफाई कर सकते हैं एज पर द नीड ऑफ बिजनेस. ठीक है, ये नहीं कि एक बार जो बन गए उसको हम नहीं कर सकते. दिस प्लान कैन बी मॉडिफाइड एज पर द बिजनेस नीड्स. इसमें भी आपके क्या आते हैं, ये प्लान इंक्लूड करता है पॉलिसीज, प्रोसीजर, मेथड्स एंड रूल्स. ठीक है, ये सब आते हैं. अब कुछ ऐसे प्लान होते हैं जो ना ही आपके स्टैंडिंग प्लान में आते हैं, ना ही आपके सिंगल यूज प्लान में आते हैं. वो होते हैं आपके ऑब्जेक्टिव एंड स्ट्रेटेजी. ठीक है, ये सब अभी डिस्कस होंगे आपके.